Hi guys, welcome back to my channel. This is Fashion with Chetna. और in this video मैं आप लोगों के साथ में share करने वाली हूँ दिवाली part 4th, जिसके अंदर मैं आपको as usual जैसे कि आपने मेरे पहले के तीन video देखे हैं तो makeup with dress show करूँगी. तो guys, इस video के अंदर मैं आपको show करने वाली हूँ धोती pant with अनारकली short कुर्ता और उसके साथ में उसके matching का makeup आपको show करूँगी. तो चलिए guys, मेरे video के साथ में continue बने रहिए कि मैंने इस dress के साथ में कैसा makeup किया है. तो आप लोग भी जो है इसे रेडी कर सकते हैं और इस ड्रेस का लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और जो भी प्रोडक्ट मैंने मेकअप की यूज़ किए हैं वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी ताकि आप लोग वहां से परचेज कर सकें. और गाइस, वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो उसे लाइक कर दीजिए. तो चलिए गाइस, मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बनी रहिए कि मैंने इस ड्रेस के साथ में कैसा मेकअप किया है. ये जो ड्रेस है उसका ब्रांड है अबिश्ती और इसमें असिमेट्रिक अनारकली कुर्ता है. 3/4 स्लीव्स है इसकी और मिड में और 3/4 स्लीव्स पर ये सिल्वर एंड पर्पल कलर की या ब्लू कलर कह सकते हैं उसकी पाइपिंग है और बीच में एक डोरी है. इसका क्लोज़र लुक जो है मैं आपको दिखा रही हूँ. इसके अंदर इसका कपड़ा जो है वो थोड़ा सैटिन टाइप का सिल्की है एंड इसके नीचे जो है वो धोती पैंट है. आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल लुक देती है. आप इसके साथ में मोजड़ियाँ या फिर कोई भी चप्पल पहन सकते हैं. इस टाइप से ये ड्रेस है, बहुत ही सुंदर है. इसका मटेरियल बहुत अच्छा है. इसमें जो मेरा साइज़ है वो मीडियम है. अभी मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है. अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ स्टे कर्की का प्राइमर. ये बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल प्राइमर है. मैं इसे अपनी स्किन में पुश कर लूँगी. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लिप बाम. अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी. देन उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ पोन्स बीबी क्रीम. इसे अपने बैक हैंड पे लेकर डॉट डॉट करके फिंगर की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी. देन उसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से डैप करते हुए अपने फेस पर सेट कर लूँगी. बीबी क्रीम को अच्छे से सेट करने के बाद में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये कंसीलर. ये लैक्मे एब्सोल्यूट का कंसीलर है. इसे अपने अंडर आई एरिया पर, फॉरहेड पर और हाइलाइटिंग एरिया पर मैं इसे अप्लाई कर लूँगी. देन उसके बाद मैं अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप करते हुए मैं इसे अपने फेस पर सेट कर लूँगी. कंसीलर दोनों काम करता है, हाइलाइटिंग का और जो ब्लैक स्पॉट होते हैं हमारे चेहरे पे उनको हाइड करने का भी वर्क करता है. कंसीलर सेट करने के बाद मैं यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट पैलेट, आई शेडो पैलेट. उसमें से मैं ये पीची कलर पिक कर रही हूँ और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईलाइट पर अप्लाई करूँगी इसे और सर्कुलर मोशन में सिर्फ इसे आईलाइट पर अप्लाई करूँगी. अपनी दोनों आईलाइट पर अप्लाई कर लूँगी इस कलर को. उसके बाद मैं सेम पैलेट से ब्राउन कलर पिक करूँगी और उसे अपनी आई की आउटर वी साइड पर इसे अप्लाई करूँगी और आई क्रीज को डिफाइन करूँगी. इन दोनों कलर को मिक्स करते हुए अच्छे से सेट कर लूँगी अपनी दोनों आईज पर. उसके बाद मैं सेम आई शेडो पैलेट से पिक कर रही हूँ शिमर पीची कलर और उसे मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी आईलिड पर डिपॉजिट कर लूँगी थोड़ा आई को शिमर लुक देने के लिए, क्योंकि दिवाली जो एक फंक्शनल लुक में आता है तो थोड़ा आईज पर शिमर लुक हो तो अच्छा लगेगा. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी इनसाइड ब्रांड का ब्लू आईलाइनर. ये लिक्विड आईलाइनर है, बहुत ही अफोर्डेबल आईलाइनर है. ये मैंने लोकल कॉस्मेटिक मार्केट से लिया था. इसका प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ है. मैं एक विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी. सेम तरीके से अपने दोनों आईज पर मैं एक विंग आईलाइनर क्रिएट कर लूँगी.
आईलाइनर क्रिएट करने के बाद मैं यूज़ करूँगी मेबलिन जीजी हैंडेड का ये मस्कारा। ये बहुत अच्छा मस्कारा है। अपने लैश वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए मैं ये मस्कारा यूज़ करूँगी। मस्कारा के बाद में मैं यूज़ करूँगी लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट। ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। इससे मैं अपनी बीबी क्रीम को सेट कर लूँगी। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से सर्कुलर मोशन में अपनी कॉम्पैक्ट को फेस पर सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन डियो शॉप की ये आईब्रो पेंसिल। इसमें मैं स्मजर की हेल्प से अपनी आईब्रो के एक्स्ट्रा हेयर गैप को फिल कर लूँगी। उसके बाद मैं एक पुली की हेल्प से मैं अपने हेयर को अच्छे से सेट कर लूँगी, एक आईब्रो को अच्छा डिफाइन करते हुए। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मास्टर पैलेट जो कि मेबलिन का है। इसमें तीनों शेड आते हैं, कॉम्पैक्ट, ब्लश एंड हाइलाइटर। सबसे पहले मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से, एक कॉन्टोरिंग ब्रश की हेल्प से अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर लूँगी। देन उसके बाद में सेम पैलेट से मैं ब्लश और हाइलाइटर भी यूज़ कर लूँगी। एक ब्लश ब्रश की हेल्प से और हाइलाइटर ब्रश की हेल्प से अपने फेस की हाइलाइटिंग एंड ब्लश अप्लाई कर लूँगी। ये देखिए मैं ब्लश पिक कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्लिम ब्रश की हेल्प से नोज़ की कॉन्टोरिंग कर लूँगी। देन उसके बाद में मैं ब्लश पिक करूँगी। ये ब्लश ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे ब्लश पिक करूँगी और अपने फेस पर ब्लश अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने फेस की हाइलाइटिंग कर लूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। ये थोड़ा स्लिम फ्लफी ब्रश है, हैंडी होता है हाइलाइटिंग अप्लाई करने के लिए फेस पर। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी नायका सो मैट लिपस्टिक का ये फ्रिश्की फ्यूशा कलर। ये बहुत ही अच्छा पिंक कलर है। ये मीडियम टू फेयर स्किन टोन वालों पे बहुत अच्छा सूट होता है। इसे मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी और ये बहुत ही अच्छी मैट फिनिश लिपस्टिक है। काफ़ी अफोर्डेबल लिपस्टिक है। इस तरीके से मैं अपने मेकअप लुक को कंप्लीट कर लूँगी लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये ड्रेस और मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्त लोग भी ऐसी ड्रेस पहन सकें और ऐसा मेकअप कर सकें। मैंने यहाँ पे ब्लू आईलाइनर यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी भी कलर का आईलाइनर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और गाइज, आप अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मनाइएगा, अच्छी अच्छी ड्रेस के साथ में और अच्छे अच्छे मेकअप के साथ में। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय।